नमस्कार, आप देख राष्ट्र समाचार। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस दोनों को प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान तीन हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में अतीक और अशरफ की मौत हो गई है। दोनों के शवों को मेडिकल कॉलेज के अंदर ले जाया गया है। मौके पर जय श्री राम के नारे सुने गए हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस ने हमलावरों को मौके से दबोच लिया है। इस पूरे हमले को वकायदा मीडिया और पुलिस के सामने अंजाम दिया गया है। दोनों पर जब फायरिंग हुई, पूरी वारदात कैमरे में भी कैद हुई है। इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है, जिसका नाम मान सिंह है। उनके इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सूत्रों की माने तो हमलावर एक पल्सर बाइक पर सवार होकर तीन हमलावर आए थे, जिन्होंने अतीक और अशरफ को गोली मारी है। मौके पर तीन बंदूक भी बरामद हुई है, कारतूस भी मौके पर मिले हैं। बाइक सवार आरोपी मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे थे। बाइक के पास से एक कैमरा और एक माइक आईडी भी बरामद हुई है। इस घटना के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स को भेजा गया है। पीएसी और आरएएफ लगाई जा रही है। इसके बाद लखनऊ में यूपी सीएम के सरकारी आवास की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम योगी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। तीन सदस्यीय टीम मामले की जांच करेगी। प्रयागराज में धारा 144 लागू कर दी गई है। अभी आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई किसी आने पे मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत इनको मेडिकल के लिए लाया गया था, और मीडिया के लोग पत्रकार साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार तीन लोग मीडिया कर्मी बन के आए, और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है, जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें तीन लोगों को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ भी हम कर रहे हैं, और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। क्या हो रहा है? इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के। इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है, तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे, तो एकदम भागे दौड़े हैं, तो उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मान सिंह हमारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से बुलेट इंजरी है, उसके नीचे क्रॉस की है। बाकी और डिटेल्ड इंक्वायरी डिटेल्ड जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत मेडिकल के लिए आए हुए थे। मीडिया के समस्त कर्मी इन लोगों के साथ में थे, और इसमें जो प्राथमिक अभी तक जानकारी है, तीन लोग मीडिया कर्मी बन के आए और उन्होंने बाइट लेने का प्रयास किया, और इसमें उनके फायरिंग में ये अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। सर कितने राउंड फायरिंग हुई है? फायरिंग कितने राउंड हुई है? जितना आपको डिस्कस कर सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। नाम बता दीजिए। अभी मैं उनसे लोग पकड़े गए हैं, कुछ असला उनके पास से मिला है, अभी उनसे डिटेल्ड इंटरोगेशन किया जा रहा है।